दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करेंगे बायोलॉजी का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो डीएनए और आरएनए में प्रमुख अंतर को इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर 6 से 7 ऐसे अंतर बताऊंगा जिनको अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन चाहे 2 नंबर में पूछे या 3 नंबर में पूछे आप लोग उसको आसानी से कर देंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग देखते हैं। देखिए डीएनए जो आपका होता है ये प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है, ठीक है ना। आप देखते हैं जो डीएनए होता है ये सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे कोई भी जीवधारी हो तो सभी में डीएनए पाया जाता है। आरएनए की बात करें तो यह कुछ वायरस में पाया जाता है, ठीक है ना, मतलब विषाणुओं में पाया जाता है। तो ये आपका एक पहला अंतर आप समझ सकते हैं। तो बहुत ही इजी देख सकते हैं, आसान आसान से अंतर मैंने लिया है यहाँ पर और साथ मैंने बता लिया है यहाँ पर, और साथ में से आप अगर यहाँ पर कोई 4 से 5 याद कर लेते हैं तो आसानी से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप उसको कर देंगे। तो ये आपका पहला अंतर हो गया इसमें, इन दोनों में, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दूसरा अंतर, जो डीएनए होता है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जैसे कभी कभी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में बन जाता है क्वेश्चन, तो डीएनए को याद रखिएगा इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, ठीक है। और यहां पर अगर बात करें आरएनए की तो इसमें केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। इन दोनों में देखिए यहां पर इसका डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज, आरएनए मतलब इसमें राइबोज, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, दूसरा ये सबसे इंपॉर्टेंट अंतर आपको इसमें होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहां पर नंबर 3, तो नंबर 3 में आप देखें तो इसका अंतर क्या है, तो इसमें है कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए होता है यह केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डीएनए आपका केंद्रक में पाया जाता है और जो आरएनए है, आरएनए केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो देख सकते हैं जो आरएनए है ये केंद्रक में भी पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है, लेकिन जो डीएनए है वो केवल और केवल आपका केंद्रक में पाया जाता है। तो ये तीसरा इन दोनों में प्रमुख अंतर आपका हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आप यहां पर जानेंगे नंबर 4, चौथा अंतर देखिए आपके सामने है, जो डीएनए होता है डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ये तीसरा आपका सबसे चौथा आपका सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है। डीएनए से आरएनए का निर्माण हो सकता है, लेकिन बात करें आरएनए की तो कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, मतलब सभी में नहीं होता, कुछ विषाणुओं में आरएनए से डीएनए बन सकता है, लेकिन डीएनए से आरएनए हर जगह बन जाएगा, ठीक है ना, सभी में। तो ये आपका इसमें अंतर है चौथा, इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 की, तो 5वां इसमें अंतर है, जो डीएनए होता है ये अनुवांशिक पदार्थ है। हमने देखा था हर्से और चेज का एक मॉडल, मैंने आपको पढ़ाया है कि हर्से और चेज ने कैसे प्रूफ किया था कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, तो ये प्रूफ हो चुका है। तो आप कह सकते हैं कि जो डीएनए है ये प्रमुख रूप से क्या है, अनुवांशिक पदार्थ है, और जो आरएनए होता है यह कुछ विषाणुओं का ही अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब ये कुल मिलाकर वायरस में पाया जाता है और कुछ ही वायरस में या कुछ ही विषाणुओं में ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, लेकिन जो डीएनए है ये सभी जीवधारियों में पाया जाता है, सभी जीवों में पाया जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आइए नंबर 6, देखिए नंबर 6 पर आपका यहाँ पर है, जो डीएनए होता है डीएनए में थायमिन क्षार उपस्थित होता है। कौन सा क्षार पाया जाता है, थायमीन क्षार होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक डीएनए का जो वाटसन और क्रिक का मॉडल था, वाटसन क्रिक मॉडल, उसमें मैंने बताया था कि एडिनिन के साथ आपका जो थायमीन है ये डबल बांड यानी कि द्विबंध के साथ जुड़ा रहता है। तो अब उसमें जो डीएनए होता है इसमें एडिनिन, थायमीन, ग्वावरिन, साइटोसिन, ये 4 जो है नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। अब जो आरएनए होता है आरएनए में थायमीन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है, ये आपका एक प्रमुख अंतर है, मतलब इसमें भी एडिनिन, ग्वावरिन, साइटोसिन पाया जाएगा लेकिन थायमीन नहीं पाया जाएगा, थायमीन के स्थान पर जो आरएनए होता है इसमें यूरेसिल आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया कि किसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होता है और एडिन जो डीएनए होता है इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होता है। ये 6वां सबसे इंपॉर्टेंट अंतर है, यही एक अंतर यहाँ पर समझ सकते हैं जो नाइट्रोजनी क्षारों में है। इसके बाद नंबर 7 आपके पास यहाँ पर है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। जो डीएनए होता है हमने बनाया था ना इसको इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडलित होती है, और जो आरएनए होता है
इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, ठीक ना। तो आरएनए की संरचना एकल कुंडलित और डीएनए की संरचना द्वि कुंडलित। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान से अंतर मैंने लिए हैं एकदम, आप इनको एक बार तैयार करेंगे तो भूलेगा नहीं, बहुत ही ईजी है सारे के सारे अंतर। और इनको मैंने यहाँ पर पूरे 7 बताए हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको कोई 3 से 4 ही पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आप इनको तैयार कर सकते हैं और अपना पूरा नंबर अच्छे से बटोर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसी प्रकार से हर एक टॉपिक का वीडियो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।